स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BHIC 105 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जिसमें मैं आप सभी को 3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं। साथ में मैं इस सब्जेक्ट की क्लास भी पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, जिस भी बच्चे को क्लास लेनी है आप लोग क्लास ले सकते हैं, क्लास में आकर के पढ़ सकते हैं। उसके लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का मैं आपको नंबर बता देता हूं, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं आपको अपने ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का जो नंबर है, मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप ग्रुप का क्या है, 9034747158। क्या नंबर है मैं दोबारा बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा, 9034747 ठीक है 7158। इस पर आप लोग मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर, मैं आप सबको अपने ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर दूंगा। अगर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज में आपको नहीं हो पा रहा कोई कारण से, तो आप लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसका आपको बार कोड दिखा देता हूं, आप लोग स्कैन कर लो बार कोड से और आप लोग डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए बार कोड दिखा देता हूं, को ज्वाइन कर सकते हैं जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। देखिएगा हिस्ट्री ऑनर सिग्नू, आप लोग इसको बाकायदा सर्च करो, जो आपको बार कोड दिखाई दे रहा है, जो बार कोड को एक मोबाइल से आप इसको स्कैनर जो होता है उससे सर्च करो और आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को आप सभी लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल आसानी से आप डायरेक्ट इस कोड को बार कोड से स्कैन करो और आप जितने भी बच्चे हैं सभी लोग हिस्ट्री जो ओनर सैगनू का उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते, जहां पर आप लोगों को क्लास भी देखने को मिल जाएगी। चलिए मैं आप सबको क्वेश्चन पेपर भी बता देता हूं, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, BHIC 105, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर, देखिएगा BHIC 105 ठीक है, भारत का इतिहास पार्ट 3 है। ठीक है, जो कि 750 से लेकर के 1206 तक जो हमारी बुक है उसका रहेगा। आपका जो एग्जाम होगा 100 नंबर का पेपर, कितने नंबर का पेपर, 100 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें से पास होने के लिए 35 नंबर चाहिए, कितने 35 मार्क्स चाहिए। ठीक है, आपका जो एग्जाम होगा 3 घंटे का एग्जाम होगा, कितने 3 घंटे का आपका पेपर होगा। अब देखिए नोट्स में क्या लिखा, देखो एग्जाम में टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने, कितने एग्जाम में टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और आपको हर एक क्वेश्चन को कम से कम 400 शब्दों में लिखना है, यानी एक क्वेश्चन को कम से कम 4 से 5 पेज में लिखना होता है। ठीक है, और इसमें 4 क्वेश्चन के 2 भाग हैं, एक भाग में से 3 क्वेश्चन करना है, एक भाग में से 2 क्वेश्चन करना है, और सभी जो क्वेश्चन और लगभग लगभग आपके 20-20 नंबर के रहने वाले हैं। अब देखा क्वेश्चन कौन कौन से हैं, आप लोग सभी लोग पेन पेपर निकाल लो, मैं इस सब्जेक्ट की क्लास भी पढ़ाऊंगा, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहां पर क्लास देखने को मिलेगी हिस्ट्री ऑनर सेकंड ईयर की। अब क्वेश्चन सारे लिखते जाओ, पहला क्वेश्चन देखो, लिखो राष्ट्रकूट प्रशासन के स्वरूप की चर्चा कीजिए, भाई जो राष्ट्रकूट प्रशासन था वो कैसा था बताना, 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास में अभिलेखों के महत्व पर एक लेख लिखिए, 20 नंबर। भाई जो हमारा पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास लिखना है, वहां पर जो अभिलेख हैं उनके महत्व पर आपको क्या लिखना है, एक लेख लिखना है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, ब्रह्मोदय और नगरम पर एक लेख, भाई ब्रह्मोदय क्या है और नगरम क्या है, इस पर एक ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर क्या करनी है, आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी, जैसे उर और नाडू क्या है 10 नंबर का हो जाएगा, खा क्या है मंदिर स्थापित कला, ये भी 10 नंबर का हो जाएगा, गा क्या है तराइन के युद्ध का महत्व क्या है, ये भी 10 नंबर का हो जाएगा, और घा क्या है पाल राज व्यवस्था, भी 10 नंबर का आपका हो जाएगा। यानी इन चारों में से आपको पेपर में कोई भी 2 करना रहेगा, लेकिन भाई मेरे आप लोग अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको चारों पढ़ के ही जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा भाग 2 में देखो, 5वां क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, शक्ति पंथ के महत्व की संक्षेप में चर्चा कीजिए, भाई मेरे जो शक्ति पंथ है उसका आपको महत्व बताना है, उसकी क्या इंपॉर्टेंट है बतानी है। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, 6ठा क्वेश्चन देखो, श्री विजय राज्य पर चोले के आक्रमण के महत्व की चर्चा कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 7वां क्वेश्चन देखो, पूर्व मध्यकाल में भारत में सामाजिक व्यवस्था पर एक लेख लिखिए, 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर आपको क्या करनी है, संक्षिप्त टिप्पणी करनी है, जैसे का क्या है शहरीकरण ह्रास पर बहस, 10 नंबर का हो जाएगा, खा क्या है श्रेणियां, ये भी 10 नंबर का हो जाएगा, ग क्या है
तमिल और कन्नड़ साहित्य, ये भी आपका 10 नंबर का हो जाएगा। घा क्या है, उत्तर भारत में शक्ति क्या है, ये भी आपका सॉरी भक्ति है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन भक्ति से 10 नंबर का। इस हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे तो एग्जाम में 8 क्वेश्चन आएगा, आपको 5 क्वेश्चन करना रहेगा। देखो चौथा क्वेश्चन और 8वें क्वेश्चन में आपको 4 देंगे, का खा गा घा, उसमें से आपको कोई 2 लिखना है। 10 नंबर के लिए 2 पेज तो कम से कम लिखना पड़ेगा, जैसे 2 पेज में समझते हो जैसे एक पन्ना होता है तो आगे और पीछे, इस प्रकार से इतना तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पेपर देखो BHIC 105, ये आपका सब्जेक्ट कोड है, जैसे आप सबको पता भी BHIC 105। ठीक है, ये जून 2023 का क्वेश्चन, कब का क्वेश्चन पेपर भाई मेरे, जून 23 का है। तो देखिएगा BHIC 105 भारत का इतिहास पार्ट 3 750 से लेकर 1206 तक, 100 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। नोट्स में वही बातें लिख रखी हैं जो मैंने आपको पहले बताई थी, बट पेपर देते समय एक बार नोट्स पढ़ लेना। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाग एक में देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास लेखन में इतिहासवृत्त या वंशावलियों के महत्व पर एक लेख लिखिए, 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो राष्ट्रकूट राज व्यवस्था के स्वरूप की चर्चा करें, देखो 20 नंबर का, राष्ट्रकूट पहले भी आ चुका था, तो इग्नू के एग्जाम में अगर आप लोग देखेंगे तो काफी जो क्वेश्चन होते हैं रिपीट मारता है। ठीक है, अगला तीसरा क्वेश्चन देखो तुर्की आक्रमण के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों की चर्चा कीजिए, भाई मेरे जो तुर्की आक्रमण हुआ था उसका सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव आपको बताना है, जो कि आपका 20 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर क्या करनी है, 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी करनी, जैसे का हमारा क्या है, का क्या है कल्याण के चालुक्य, 10 नंबर का हो गया। खा क्या है मंदिर स्थापत्य कला, ये भी 10 नंबर का हो गया। गा क्या है पाल एवं असम के राज्यों की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या है, ये 10 नंबर का हो जाएगा। और घ क्या है वंश आधारित राज्य क्या, ये भी 10 नंबर का। यानी जो चौथा क्वेश्चन इसमें आपको चारों में से एग्जाम में कोई दो करना रहेगा। ठीक है, चलिए अगला देखो भाग दो में देखो पांचवा क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा के विकास की चर्चा कीजिए, 20 नंबर का आ गया। छठा क्वेश्चन देखेगा चोल नौसैनिक अभियान के महत्व पर चर्चा कीजिए, 20 नंबर का, यानी भाई चोल जो नौसैनिक अभियान था वो बताना है। सातवां क्वेश्चन देखेगा भारतीय सामंतवाद से जुड़ी भैंस की समय जो भाई मेरे भारतीय सामंतवाद है उससे किस प्रकार से बातचीत हो रही, भाई भारतीय सामंतवाद को लेकर के काफी इतिहासकारों में मतभेद है, तो उसी को आपको बताना कि भाई जो हमारा भारतीय सामंतवाद है उसको लेकर के किस प्रकार का मतभेद है। अब देखिएगा हमारा आठवां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर क्या करनी है, आपको 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी करनी, जैसे का क्या हमारा क्या है लंबी दूरी का समुद्री व्यापार, 10 नंबर का हो जाएगा। खा क्या है श्रेणियां, देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया ना। ग क्या है वीर सौवाद क्या है, 10 नंबर का। और घ क्या है संस्कृति काव्य साहित्य, ये 10 नंबर का। यानी आठवें क्वेश्चन भी आपको चारों में से कोई भी आपको दो करना रहेगा। इस हिसाब से एग्जाम में आपके 8 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपसे आपको 5 क्वेश्चन करने रहेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिएगा हम लोग अगला क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो यहां पर देखेगा क्या है BHIC 105 क्या है, BHIC 105 क्या है हमारी ये बुक का नाम रहेगा। ठीक है, आप सबको पता भी होगा ये दिसंबर 2022 का क्वेश्चन, कब का क्वेश्चन पेपर है मेरे, दिसंबर 22 का। BHIC 105 भारत का इतिहास पार्ट 3 750 से लेकर 1206 तक। ठीक है, अब देखिएगा आपका जो एग्जाम होगा 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें से पास होने के लिए आपको 35 नंबर चाहिए। ठीक है, 3 घंटे का पेपर होगा। नोट्स में वही बातें लिख रखी जो मैंने आपको पहले बताया था। अब देखिएगा क्वेश्चन लिख लो भाग एक में देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, वंशावली शब्द से शब्द का क्या अर्थ है, ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में राज तरंगी के महत्व बताओ, भाई वंशावली क्या है और जो कलहण ने जो बुक लिख रही थी राज तरंगी उसका बताना है, 20 नंबर का हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा चोल के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी, उर और नाडू के संदर्भ में उत्तर दीजिए, भाई उर और नाडू क्या है आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन देखोगे पूर्व मध्यकालीन पूर्वी भारत के समाज और अर्थव्यवस्था पर चर्चा कीजिए, भाई जो पूर्व मध्यकालीन भारत था उसमें समाज कैसे था और उसमें अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये हमको बताना, 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखेगा निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर क्या करनी है, संक्षिप्त टिप्पणी करनी, 200 नंबर पर। देखेगा का हमारा क्या है राजपूतों की उत्पत्ति, 10 नंबर का है। खा क्या है मंदिर वास्तुकला में वेसर शैली, 10 नंबर का हो गया। गाय क्या है
सिंध पर विजय 10 नंबर का और महमूद गजनी ये भी 10 नंबर का आपका हो जाएगा। इस हिसाब से चौथे क्वेश्चन में आपको दो करने रहेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला देखिएगा भाग दो में, देखो पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या देखिएगा। आप आरंभिक मध्यकालीन काल के दौरान भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संबंधों को समझने में चोलों द्वारा श्री विजय पर आक्रमण की व्याख्या कैसे करेंगे। भाई आरंभिक भारत दक्षिण पूर्व एशिया में चोलों ने श्री विजय पर आक्रमण की व्याख्या कैसे करेंगे बताना है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखेगा, आरंभिक मध्ययुगीन काल में शूद्रों की बदहाली पर चर्चा कीजिए। भाई मध्यकालीन भारत में जो शूद्र हैं उनकी स्थिति कैसी थी आपको बताना, जो कि आपका 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखेगा, जोन्स गैमेंस द्वारा लिखे गए सूक्ष्म क्षेत्रों की विशेषताओं की वर्णन कीजिए। 20 नंबर का ये भी आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा आठवां क्वेश्चन क्या देखिएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर 200 शब्दों में आपको क्या करनी है, संक्षिप्त टिप्पणी करनी। जैसे का क्या हमारा है, पूर्व मध्य काल में भारत में शहरी पतन, 10 नंबर का हो जाएगा। खा क्या है, आरंभिक मध्ययुगीन काल में लिंग संबंध, क्या 10 नंबर का ही हो जाएगा। गा क्या है, ठीक है, नैनार और अलवार, नैनार और अलवार संत क्या बताना, 10 नंबर का ही हो जाएगा। घा क्या है, नक्षत्रीय यंत्र क्या है, ये भी 10 नंबर का हो जाएगा। इस हिसाब से एग्जाम में 8 क्वेश्चन आएगा जिसमें आप सबको 5 क्वेश्चन करने रहेंगे। तो जो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं इन सारे क्वेश्चनों को लिख लो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और जब मैं आपको क्लास पढ़ाऊंगा क्लास में भी हम लोग इन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। और आप सबका जो अगर मैं बात सुना, आपके पास एक सब्जेक्ट कोड था BHIC 110, इसकी क्लास मैंने पढ़ा दी है और आप लोग चैनल पर जाकर के देख सकते हो। मेरे से बहुत सारे बच्चों ने बोला था जो हिस्ट्री ऑनर सेकेंड ईयर के हैं, इस सब्जेक्ट की क्लास पढ़ा दो, मैंने इस सब्जेक्ट की क्लास पढ़ा रखी है, चैनल पर जाकर के देख सकते हो, ठीक है। और बाकी 105 की भी पढ़ा दूंगा, 106 भी पढ़ा दूंगा, 7-8 भी मैं पढ़ा दूंगा, 9 भी पढ़ा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो जी, ठीक है। अगला देखिएगा BHIC 105, ठीक है, ये जून 2022 का क्वेश्चन, कब का क्वेश्चन, जून 22 का देखिएगा। तो देखिएगा 3 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, नोट्स पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन क्वेश्चन देखिएगा, खंड एक में देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या देखिएगा, आरंभिक मध्ययुगीन काल की शिलालेखों की प्रकृति पर चर्चा कीजिए, ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में इन शिलालेखों के महत्व का परीक्षण कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, राष्ट्रकूट साम्राज्य के गठन और विस्तार के लिए कौन से कारक जिम्मेदार थे, 20 नंबर का ये बताना है। तीसरा क्वेश्चन देखेगा, अरब और तुर्की आक्रमणों पर भारत के सामाजिक और प्रौद्योगिकीय प्रभाव क्या थे, 20 नंबर का ये बताना है। चौथा क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर 200 शब्दों में आपको क्या करनी है, संक्षिप्त टिप्पणी करनी। जैसे का क्या है, पाल, 10 नंबर का हो जाएगा। खा क्या है, अग्नि कुंड के मिथक, ये भी आपका 10 नंबर का हो जाएगा। गा क्या है, वास्तुकला की द्रविण शैली, ये भी 10 नंबर का हो जाएगा। और गा क्या है, चचनामा क्या है, ये 10 नंबर का हो जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं और इनको पढ़ते जाना क्या है आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, खंड दूसरे में देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन देखो क्या है, भारतीय इतिहास में सामंतवाद पर इतिहास लेखन संबंधी विवाद का विश्लेषण कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय इतिहास के पूर्व मध्यकालीन काल में व्यापार और व्यापारिक मार्गों के पहलुओं पर चर्चा कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक धार्मिक आंदोलन किस हद तक समकालीन सामाजिक संरचना का विरोध थे, टिप्पणी कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और हमारा जो आठवां क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर आपको क्या करनी है, संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। जैसे इसमें 4 दे रखे, जैसे का क्या है, उत्तर भारत के व्यापारिक मार्ग, 10 नंबर का हो गया। खा क्या है, अयावेल 500, 10 नंबर का हो गया। गा क्या है, पूर्व मध्यकालीन भारत में शहरी पतन क्या है, भी 10 नंबर का हो गया। और घ क्या है, नक्षत्र यंत्र क्या है, ये रिपीट देखो। जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं इतने क्वेश्चन आप सबको पढ़ के जाना ही जाना है, जो जो मैं बता रहा हूँ भाई मेरे इतना पढ़ के चले जाना, आप सबका एग्जाम जो रहेगा बहुत अच्छा होगा। साथ में आप लोग मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, या आप लोग बार कोड जो मैंने दिखाया था उसको स्कैन कर लेना। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9034747158, ठीक है, ये मेरा नंबर रहेगा 58, ठीक है। नाम मेरा आप सबको पता होगा, रजनीकांत मिश्रा, ठीक है।
आप लोग इस पर मैसेज कर देना। मेरे कोशिश रही कि 100% नहीं कह सकता भाई मेरे, क्योंकि 100% तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता है, कि मैं हिस्ट्री सेकेंड ईयर की आप सबको क्लास पढ़ाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। जैसे मैंने BHIC 110 मैंने आपको पढ़ा दिया, उसी प्रकार से आपके और भी जो सब्जेक्ट हैं उनकी भी मैं कोशिश जरूर करूंगा। बाकी अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे से जरूर पूछ लेना। बाकी इसी तरह की क्लास आपको मिलती रहेगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, मैसेज कर देना, या बार कोड से व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।